नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश शर्मा और वापस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शटरिंग के बारे में बताएंगे। जब कभी भी आप अपने कंस्ट्रक्शन में शटरिंग का काम करवाते हैं या फिर आप जो है वो अपना घर बनाते समय शटरिंग का काम करवाते हैं, तो आपको साइट पर किन बातों का ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जो है वो बड़े नुकसान से बच सकें। दोस्तों, साइट पर आपको सबसे पहले अपने शटरिंग के मटेरियल को चेक करना है। आपकी शटरिंग अगर लकड़ी की है, आप वुडन की शटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो है वो लकड़ी की शटरिंग होती है, आयरन की कॉस्टली होती है शटरिंग, जिसमें प्लेट्स और आप आयरन की प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो लकड़ी की शटरिंग का यूज़ करते हैं। तो जो ये लकड़ी की शटरिंग होती है, इसमें जो बल्लियाँ होती हैं प्रॉप्स, उनका जो डाया है वो अच्छा होना चाहिए। वो बहुत पतली बल्लियाँ या फिर प्रॉप्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो लोड से जो है वो टूट सकती हैं। जब कंक्रीट या फिर आपके स्लैब की कास्टिंग हो रही होगी तो आपकी बल्लियाँ अगर बहुत पतली होगी तो वो टूट सकती हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो सकता है, आपकी स्लैब जो है वो नीचे गिर सकती है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी के साथ दोस्तों, जो वुडन के बैटन हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसी के साथ आप जो प्लाई यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, आपको अपने बल्ली प्रॉप्स जो है उनके बीच के डिस्टेंस को जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके प्रॉप बल्लियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा बल्लियों के बीच का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अगर छज्जा में आप जो है वो बल्लियाँ जब यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बल्लीज बीच में लगानी है, ताकि आपका छज्जा जो है वो आपकी बाकी शटरिंग के साथ जुड़ा रहे। इसी के साथ दोस्तों, जब आप शटरिंग कर रहे होते हैं, साथ साथ में आप जो है वो शटरिंग के लेवल को ज़रूर चेक करें, उसकी अलाइनमेंट को चेक करें। आपकी शटरिंग जो है वो लेवल में होनी चाहिए, आपकी शटरिंग कहीं से नीचे अप डाउन इस तरह की नहीं होनी चाहिए, एक लेवल में आपकी शटरिंग होनी चाहिए। नहीं तो आपका स्लैब की कास्टिंग जो है कहीं पे 7 इंच, कहीं पे 5 इंच, या फिर आपके स्लैब के बीच में जो है वो पानी रुक सकता है, जिसकी वजह से आपके घर में सीलन आ सकती है। तो आप अपने जो भी आपके वहाँ पर मशीन लगे हुए हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप उन्हें लेवल को चेक करने के लिए कहें, और इसी के साथ आपको साइट पर जो है शटरिंग के लेवल को हमेशा चेक करना है। दोस्तों, इसी के साथ आपको अपनी शटरिंग में चेक करना है कि आपकी शटरिंग जो है वो उसके बीच में किसी तरह के कोई गैप नहीं होने चाहिए, किसी तरह के शटरिंग के बीच में छेद नहीं होने चाहिए, या फिर जहां पर आप प्लेट की शटरिंग कर रहे हैं, बोर्ड की शटरिंग कर रहे हैं, जहां पर वो बोर्ड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसके बीच में अगर गैप रह जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पे आप शटरिंग टेप की मदद से उन गैप को आप कवर कर सकते हैं। नहीं तो आपकी कंक्रीट या फिर सीमेंट स्लरी जो है वहाँ से लीक हो सकती है। अगर सीमेंट स्लरी वहाँ से लीक होगी तो आपके घर की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। इसी के साथ जो है वहाँ पर आपको हनी कॉम्बिंग जैसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इस तरह की गलती आप ना करें, आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए और आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों, आपको अपनी शटरिंग को समय समय पर चेक करना है। जिस दिन आपकी स्लैब की कास्टिंग हो रही है या फिर कंक्रीट कास्ट की जा रही है आपकी शटरिंग में, उस दिन आपको जो है वो कंक्रीट को कास्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी सारी सपोर्ट जो हैं, बल्लियां जो हैं, प्रोप्स जो हैं, वो अपनी जगह पर ठीक हैं या नहीं। तो समय समय पर जो है वो आप चेक करते रहें, किसी प्रकार की कोई सपोर्ट, कोई बल्ली, कोई प्रॉप जो है वो अपनी जगह से हिली तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसे समय पर ठीक करें, नहीं तो आपकी शटरिंग में, आपके स्लैब में डिफ्लेक्शन आ सकती है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी शटरिंग नीचे गिर सकती है। तो इस तरह की समस्या आपको ना हो, इसलिए आप जो है वो समय समय पर चेक ज़रूर करें। दोस्तों, इस पॉइंट पर ध्यान दें, जब भी आप शटरिंग के लिए बल्लीज मंगवाते हो, प्रॉप्स मंगवाते हो, तो आपको ध्यान देना है कि आपके बिल्डिंग की हाइट के अनुसार ही आपको अपनी साइट पर बल्ली को मंगवाना है, प्रॉप्स को मंगवाना है। अगर आपकी बल्लियाँ छोटी होंगी तो आपको एक तो काम करने में बहुत मुश्किल होगी, इसी के साथ अगर आप बल्लियों के नीचे जो है वो ईंटें या फिर किसी तरह की कोई पैकिंग देंगे, उसकी वजह से जो है वो आपको समस्या हो सकती है। क्योंकि जो ईंटें लगाई जाती हैं नीचे, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, ईंटें नहीं लगानी चाहिए। अगर ईंटें हम ज़्यादा लगाते हैं तो आपकी बल्लियाँ जो हैं वो अपनी जगह से हिल सकती हैं, इसी के साथ जो है वो आपके लिए खतरा बना रहता है। तो आप अवॉइड करें कि आप बल्लियों के नीचे ईंटें ना लगाएं, इस तरह की सपोर्ट आप अपनी बल्लियों के लिए ना बनाएं, ये मजबूत और एक सही तरीका नहीं है दोस्तों। तो आपको इस तरह का काम नहीं करवाना है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ और आप जो है वो इस पॉइंट पर ध्यान दें, बहुत सारे लोग शटरिंग करते हैं, शटरिंग में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नेल्स का इस्तेमाल होता है, कीलों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम जो है एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के साथ कीलों की मदद से जोड़ते हैं। और ये जो कीलें होती हैं, आपको क्या चेक करना है कीले लेते समय, आप चेक करें कि आपके कीलों की, आपकी नेल्स का जो डायमीटर है, उसकी जो डाया है, उसकी जो मोटाई है, वो बहुत
पतली कीलें नहीं होनी चाहिए, बहुत कम डाया की नेल नहीं होनी चाहिए। तो आप जो है वो मोटी नेल्स लें, आप मोटी कीलें लें, क्योंकि मोटी कील जो है वो अगर एक ही कील आप वहाँ पर लगाओगे तो वहाँ पर आपको एक अच्छा जोड़ लकड़ियों के बीच बना रहेगा। इसी के साथ अगर आप पतली कीलें या फिर जो है ऐसी कीलें इस्तेमाल करते हैं जिनका डाया बहुत कम है, तो आपको एक तो ज़्यादा कीलें लगानी पड़ेंगी और आपकी कीलें जो हैं वो मुड़ जाती हैं, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार जो है वो आप दो दो तीन तीन कीलें लगाते हैं लेकिन वो अच्छे से लग नहीं पाती, मुड़ जाती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप अपनी शटरिंग के लिए मोटी कीलें लें, जिससे जोड़ भी मजबूत बनता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जो है वो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस या फिर इस तरह की जानकारी की वीडियोस जो हैं वो आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।